सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज मैं यहां पे फिर से लेके आया हूं दो ऐसे स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन जो कि बेसिकली यहां पे आ रही है नॉइस के तरफ से। नॉइस स्मार्ट वॉच में अगर आप कुछ इस तरह की स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको एक बेस्ट क्वालिटी की मिले, तो देन यहां पे आज जो है मैं दो ऐसे स्मार्ट वॉच रिकमेंड करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज नॉइस की कलर फिट आइकन 4 जो कि 1999 रुपीज के प्राइस पे आ रही है। एंड सेकेंड वन इज नॉइस की कलर फिट विजन 3 2,500 रुपए के अंदर में। तो वैसे तो ये दोनों बेस्ट है, बस इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा वो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। जैसा कि मेरा प्रेफरेंस नॉइस के कलर फिट आइकन 4 है जो कि कम प्राइस है एज कम्पेयर टू नॉइस की विजन 3। तो क्या रीजन है वो आपको मैं सॉलिड एंड तक जो है वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल पे पहली बार आए थे, इसी टाइप्स के टेक अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल के वीडियोस के अलावा हम गिव अवेज लाते हैं, उन सब में अगर पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल रही हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके मॉडल नंबर। तो मॉडल एंड नेम जैसे कि ऑलरेडी मैंने ब्रांड शेयर कर दिया है। सेल पैकेजेस की बात करें तो दोनों में आपको स्मार्ट वॉच मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन एंड मैनुअल केबल्स मिल जाती है। बात कर ले ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी एंड मटेरियल्स, तो देखिए बिल्ड में लुक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली भी दोनों की जो है यहाँ पे सेम आ रही है, ठीक है। स्लाइटली डिस्टेंस जो है आपको दिखने को मिलती है, जैसा कि आइकन फोन में आपको पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी मिल रही है, तो कलर फिट विजन 3 में यहाँ पे आपको मेटल मिल रही है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ये हैवी होता है जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। स्ट्रैप्स की बात करें तो आइकन फोन में आपको सिलिकॉन बेस 1 ऑप्शन मिल रही है एंड विजन 3 में आपको मिल रही है सिलिकॉन लेदर एंड मेटलिक 3 ऑप्शन मिल रही है। सो ये काफी चॉइसेबल ऑप्शन है। अपार्ट ऑफ दैट दोनों में आपको डस्ट प्रूफ के साथ में IP68 की वाटर रेजिस्टेंस मिल जा रही है। तो देखिए प्राइस इतना अलग होने के बावजूद भी जो है आपको यहाँ पे मिल रही है वाटर रेजिस्टेंस सेम, तो ये एक रीजन हुआ मेरा प्रेफरेंस आइकन 4 की तरफ। सेकेंड वन इज डिस्प्ले। डिस्प्ले की मैं टाइप की बात करूं तो दोनों कलर एमोलेड डिस्प्ले आ रही है 1.96 इंचेस की। जब दोनों में डिस्प्ले भी सेम है एंड इसके जो क्वालिटी है वो भी टाइप पे एमोलेड मिल रही है, तो मेरा भी यहाँ पे सेम प्राइसेस रहेगा एंड मेरा प्रेफरेंस रहेगा आइकन 4 में, बिकॉज यहाँ पे लो प्राइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शनलिटी मिल जा रही है दोनों में। रही बात ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो दोनों में लेटेस्ट वर्जन्स पे आप डायरेक्ट डायल कॉल स्ट्रिप पेपर कॉल सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं, तो यहाँ भी लेवल जो है आपका दोनों में सेम है। रही बात एक्स्ट्रा फीचर्स, तो देखिए दोनों में आपको जो है कुछ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं। जैसे कि पहले बात कर ले आइकन 4 में आपको मिल रही है रिमोट म्यूजिक कंट्रोल, फाइन वेग गेस्चर ऑप्शंस, AI की वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, पासवर्ड प्रोटेक्शन जो कि मुझे काफी बेस्ट लगती है। पासवर्ड प्रोटेक्शन जहां पे आपकी जितनी भी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन सक सकता है वो डायरेक्टली कोई आपको खोल के ना देख ले, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑप्शन मिल जा रही है। वेदर एंड स्मार्ट DND का ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं नॉइस के कलर फिट विजन 3 में, तो AI की वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, फाइन माई फोन, वेग जेस्चर्स एंड यहाँ पे जो कलर कैलकुलेटर, रिमोट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाती है। वैसे तो दोनों जो है आइडियल है फॉर मेंस एंड वुमेन्स के लिए, तो दोनों अपने अपने जगह पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में सही है। कॉम्पेबिलिटी की बात करूँ तो देखिए आइकन 4 में ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी एंड्रॉयड आयोज में आप यूज कर सकते हैं, बट विजन 3 में जो है लिमिटेशंस है, जैसे कि आयोज में 11 के ऊपर एंड एंड्रॉयड में 9 के ऊपर होती है, तो ये एक लिमिटेशंस मेरे लिए कहीं पे बाउंड्रीज जो है अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पे आपको लिमिटेड यहाँ पे वर्सन पे ही आप इसको यूज कर पाएंगे। रही बात बैटरी कैपेसिटी, तो दोनों में बैटरी कैपेसिटी सेम है 300 mAh की, बट बैटरी ऑलवेज डिपेंड करती है आपके यूजर्स के ऊपर, बट यहाँ पे mAh जैसे कि कैपेसिटी दोनों में सेम है, तो फिर से मेरा रेफरेंस रहेगा आइकन 4 के तरफ। रही बात यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो दोनों में आपको डेडिकेटेड सेंसर्स मिल जाती है फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस लाइक की HR, SPO2, पेडोमीटर, स्लीप्स रिमाइंडर एक्सेट्रा ऑप्शंस के लिए। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मीटर्स सेंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में, तो दोनों में देखिए सबसे पहले आइकन 4 में आपको मिले एक्सेलेरोमीटर, कैलोरीज काउंट, स्टेप्स काउंट के ऑप्शंस, एंड विजन 3 में मिले कैलोरीज काउंट, स्टेप्स काउंट एंड एक्सेलेरोमीटर। दोनों में जो अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइम एंड रिमाइंडर का ऑप्शंस मिल जाता है। एंड आइकन 4 में आपको मिल रही है यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर, ब्रेथ प्रैक्टिस एंड फीमेल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शंस, तो ये फिर से मुझे जो है प्लस पॉइंट लगी। सो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो देखिए प्राइसिंग जहाँ पे मुझे कम देने पड़ रही है, जैसे कि लगभग मैं राउंड फिगर में पकड़ूं तो आइकन जो है 2000 एंड विजन जो है 2500, तो 500 रुपये में ज़्यादा क्यों देने जाऊं जब मुझे आइकन 4 पे ही एमोलेड डिस्प्ले एंड लॉट्स ऑफ फीचर फंक्शनलिटी मिल जा रही है एज कम्पेयर टू नॉइस की विजन 3। तो मेरा रिकमेंडेशन इसलिए आइकन 4 पे रह रहा है। दोनों के ऊपर सेपरेटली वीडियो बन चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नए टॉपिक्स, डील्स एंड ऑफर के डिस्काउंट के साथ में।